विद्या बालन की पैदाइश 1 जनवरी 1979 है। वो एक भारतीय अदाकारा है। विद्या बालन फिल्मों में ज्यादातर लीड रोल के लिए जानी जाती हैं। वो कई अवार्ड्स की वसूल कर चुकी हैं, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स शामिल हैं। इन्हें 2014 में इंडियन हुकूमत ने पद्म श्री से नवाजा था। विद्या ने छोटी उम्र से ही फिल्म में करियर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और 1995 के सीट काम हम 5 में अपना पहला अदाकारी का किरदार अदा किया। मुंबई यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में मास्टर की डिग्री हासिल करने के दौरान उसने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए कई नाकाम कोशिशें की और टेलीविजन के इश्तिहारात और म्यूजिक वीडियोस में नुमाया हुई। उसने बंगाली फिल्म ब्लूथी को 2003 में अदाकारी के जरिए अपने फिल्मी करियर का आगाज किया और अपनी पहली हिंदी फिल्म परनीता 2005 के लिए पजीराई हासिल की। इसके बाद फिल्म लगे रहो मन्ना भाई 2006 और भूल भूलिया 2007 से बॉक्स ऑफिस में कामयाबियां मिली, लेकिन इसके बाद के किरदार इसके करियर को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे। विद्या ने लगातार 5 हट फिल्मों में फीमेल लीड के तौर पर अदाकारी करके खुद को पहचान दिला, जिसकी वजह से इन्हें तनकीदी और अवार्ड्स भी मिले। वो 5 फिल्में ये हैं: ड्रामा फिल्म पा 2009, इश्किया 2010, नौवन कलट जैसिका 2011 और कहानी 2012 और दी डर्टी पिक्चर 2011 में थे। दी डर्टी पिक्चर के लिए इन्हें बेहतरीन अदाकारा का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। कच्चा वक्त के बाद विद्या ने तमधारी सोलो 2017 करियर में वापसी की और मिशन मंगल 2019 में काम और खानदानी जिंदगी में तवाजुन पैदा करने वाली खुश मिजाज औरत का किरदार अदा किया। ये इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज के तौर पर सामने आई। इसके बाद विद्या ने अमेजोन प्राइम वीडियो फिल्मों शकुंतला देवी 2020, शेरनी 2021 और जलसा 2022 में काम किया है। विद्या इंसानी हकूक और खवातीन को एम्पावरमेंट बनाने की सपोर्ट करती है। वो इंडियन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की रुकन है और एक रेडियो शो की मेजबानी कर चुकी हैं। अपने करियर के शुरू में विद्या बालन को अपने वजन और लिबास की वजह से काफी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन बाद में मीडिया में इसकी गैर रिवायती होने का क्रेडिट दिया गया। विद्या ने फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की।